हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम चक्रे सहरवा और मैं अपने यूट्यूब चैनल TNT ग्रुप में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है दोस्तों, कल हमने एक नया सब्जेक्ट स्टार्ट किया था जिसका नाम था मशीन डिजाइन। ठीक है दोस्तों, तो कल हमने ऑलरेडी कुछ चैप्टर फर्स्ट में पढ़ने वाले कुछ टॉपिक्स डिस्कस किए थे। ठीक है दोस्तों, और आज हम चैप्टर नंबर फर्स्ट टॉपिक से स्टार्ट करेंगे, दैट इज इंट्रोडक्शन। तो लेट्स स्टार्ट। तो दोस्तों, जैसे कि हमने बताया था कि हम मशीन डिजाइन पढ़ने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो हमने सबसे पहले क्वेश्चन यही उठाया था कि मशीन डिजाइन हम क्यों पढ़ते हैं, क्या जरूरत है मशीन डिजाइन पढ़ने की। ठीक है दोस्तों, तो कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई भी बॉडी हम जब बनाते हैं तो उससे पहले हमको ये सोचना होता है कि हमको वो बॉडी यूज कहाँ करना है। ठीक है दोस्तों, तो उसी के अकॉर्डिंग हम जो बॉडी है उसका कंस्ट्रक्शन करते हैं। ठीक है, उसको डिजाइन करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम क्या करते हैं, उसको क्या करते हैं, एक प्लान बनाते हैं। ठीक है, प्लान बनाकर हम कंस्ट्रक्शन करते हैं। ठीक है, प्लान और कंस्ट्रक्शन। ठीक है, प्लान कंस्ट्रक्शन। तो कहने का मतलब ये है दोस्तों कि द टर्म डिजाइन मीन्स टू प्लान, मतलब डिजाइन का मतलब ही प्लान होता है। कोई भी चीज़ बनाते हैं, कोई भी चीज़ डिजाइन करते हैं, तो डिजाइन करने से पहले हम एक प्लान बनाते हैं डिजाइन। ठीक है, तो द टर्म डिजाइन मीन्स टू प्लान फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ ऑब्जेक्ट, फॉर्मुलेशन ऑफ अ प्लान फॉर द सेटिस्फेक्शन ऑफ नीड। मतलब हम उसको इस प्रकार से डिजाइन करते हैं, इस प्रकार से कंस्ट्रक्ट करते हैं कि जो हमारी नीड है वो हमारी नीड के अनुसार नीड सेटिस्फाई हो। ठीक है, हमको जिस जगह, जिस मैकेनिज्म में, जिस मशीन में, जिस प्लांट में उसको बॉडी को यूज करना है, मशीन को यूज करना है, वो हमारी एक सेटिस्फाई हो। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों जब भी हम कोई बॉडी डिजाइन करते हैं तो उससे पहले हम प्लान जरूर बनाते हैं। ठीक है दोस्तों, लेकिन दोस्तों जो भी पर्सन ये बॉडी या जो भी पर्सन ऑब्जेक्ट डिजाइन करता है उस पर्सन को हम क्या कहते हैं, डिजाइनर कहते हैं। ठीक है दोस्तों, और जो भी एक्टिविटीज, जो भी सीक्वेंस होता है डिजाइन करने का, उसको हम क्या कहते हैं, डिजाइन प्रोसेस कहते हैं। जो भी दोस्तों हम डिजाइन करते हैं तो कुछ तो एक्टिविटीज होगी। ठीक है, कुछ तो सीक्वेंस होगा कि पहले क्या करना, फिर उसके बाद क्या करना। तो जो भी सीक्वेंस होता है डिजाइन करने का, उस सीक्वेंस को क्या बोलते हैं हम, डिजाइन प्रोसेस बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, क्या बोलते हैं, डिजाइन प्रोसेस बोलते हैं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिजाइन रेफर टू द सिलेक्शन ऑफ मटेरियल, डिजाइन ऑफ कंपोनेंट एंड द सिस्टम ऑफ मैकेनिकल नेचर। ठीक है, हम क्या करते हैं, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में क्या करते हैं, मटेरियल का सिलेक्शन करेंगे, और जो मटेरियल का सिलेक्शन करने के बाद हम क्या करेंगे, कंपोनेंट्स को डिजाइन करेंगे। ठीक है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में मतलब कई फील्ड में डिजाइनिंग की जाती है, जैसे कि थर्मोडाइनमिक्स, फ्लूइड पावर, मैथमेटिक्स, मशीन डिजाइन, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग आदि, यानी एक्सेट्रा। ठीक है दोस्तों, तो इन सभी फील्ड में डिजाइन का काम होता है। विदाउट डिजाइन नॉट पॉसिबल एनीथिंग। ठीक है दोस्तों, तो द टर्म मशीन डिजाइन डील्स विद द डिजाइन ऑफ मशीन, देयर मैकेनिजम्स एंड एलिमेंट्स। जो मशीन हम डिजाइन करते हैं, तो दोस्तों डायरेक्टली हम मशीन डिजाइन नहीं करते हैं, मशीन डिजाइन करने के लिए हम उसके छोटे छोटे कंपोनेंट्स डिजाइन करते हैं। ठीक है दोस्तों, पहले हम उसके कंपोनेंट्स डिजाइन करेंगे, फिर उन कंपोनेंट्स को असेंबल करके एक मैकेनिज्म डिजाइन करेंगे। ठीक है, और उन मैकेनिज्म को असेंबल करके एक बड़ी बॉडी या एक बड़ी मशीन डिजाइन होती है। ठीक है दोस्तों, और हम क्या करते हैं दोस्तों, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो होती है वो रहता है किसी भी कंपोनेंट का साइज, शेप, मटेरियल और अरेंजमेंट, कि हमारे जो डिजाइन है, जो हमारी
जिस बॉडी को हमको डिजाइन करना है उस बॉडी का साइज क्या होना चाहिए, उसका शेप क्या होना चाहिए, उसका उसमें मटेरियल कौन सा यूज करें, और उसका जो अरेंजमेंट है एलिमेंट्स का, वो जैसे कि असेंबली है तो असेंबली एक प्रॉपर सीक्वेंस में ही की जाती है, ठीक है दोस्तों। तो हम उसकी एक असेंबली अरेंजमेंट करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो जैसे कि हमने जो भी टास्क है, जो भी हमको टास्क चाहिए है, वो हमारा टास्क कम्प्लीटली एक परफेक्टली परफॉर्म करे, ठीक है दोस्तों। जैसे कोई भी मशीन है हमको किसी टास्क के लिए चाहिए, तो वो हमारी बॉडी क्या करे, एक परफेक्टली टास्क प्रोवाइड करे, ठीक है दोस्तों, ना कि उसमें कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो। तो हम सीधा सीधा सा मतलब ये कह सकते हैं दोस्तों कि डिजाइन को कैसे डिफाइन करें। तो डिजाइन को हम इस प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं कि डिजाइन ऑफ मशीन एलिमेंट मे बी डिफाइन एज द सिलेक्शन ऑफ मटेरियल एंड द डायमेंशंस फॉर ईच ज्योमेट्रिकल पैरामीटर सो दैट द एलिमेंट सेटिस्फाई इट्स फंक्शन एंड अनडिजायरेबल इफेक्ट आर केप्ट विद इन द एलोएबल लिमिट, ठीक है दोस्तों। दैट इज कॉल्ड DME, दैट इज डिजाइन ऑफ मशीन एलिमेंट, ठीक है दोस्तों। तो इसका PDF तो मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, इसलिए लिखने में नहीं ज़्यादा करूंगा। अब दोस्तों अब क्या क्या नेक्स्ट टॉपिक रहेगा हमारा, नीड ऑफ डिजाइन, कि हमको जब कोई भी बॉडी डिजाइन करते हैं तो हमको किस किस चीज़ की नीड जरूरी होती है, किस किस चीज़ की आवश्यकता होती है, ठीक है दोस्तों। तो वो हम देख लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट होता है फंक्शनल रिक्वायरमेंट, क्या होता है फंक्शनल रिक्वायरमेंट, रिक्वायरमेंट फंक्शनल रिक्वायरमेंट। सेकंड पॉइंट आएगा यूजर कंफर्ट, ठीक है दोस्तों, यूजर कंफर्ट। थर्ड पॉइंट आएगा दोस्तों सेफ्टी, ठीक है सेफ्टी। जो फोर्थ पॉइंट आएगा दोस्तों वो आएगा हमारा मॉडिफिकेशन, मॉडिफिकेशन। जो फिफ्थ पॉइंट आएगा वो होगा अपीयरेंस, अपीयरेंस, ठीक है दोस्तों। और जो नेक्स्ट पॉइंट आएगा वो आएगा हमारा कॉस्ट रिडक्शन, कॉस्ट रिडक्शन, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों जब भी हम कोई बॉडी डिजाइन करते हैं तो उसमें सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हमने बॉडी डिजाइन की, अब बॉडी डिजाइन तो कर दी, वो हमारा टास्क प्रॉपरली कंप्लीट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हमको जो चाहिए बॉडी उससे हम बॉडी सेटिस्फाई कर रही है हमको कि नहीं कर रही। और जैसे दोस्तों बॉडी तो सेटिस्फाई कर रही, प्रॉपरली काम भी कर रही, लेकिन उसकी कॉस्ट इतनी ज़्यादा है कि मार्केटिंग ही नहीं हो पा रही है, ठीक है दोस्तों। तो हमको सारी चीज़ों का, सारे फैक्टर्स का ध्यान रखना पड़ता है दोस्तों, ठीक है, कि हमारी बॉडी मतलब महंगी भी नहीं होना चाहिए और इतनी मतलब इतनी सस्ती भी नहीं होना चाहिए, इतनी चीप भी नहीं होना चाहिए जिससे कि हमको ही लॉस हो जाए, ठीक है दोस्तों। कि मतलब जितना पैसा हमको उसमें बनाने में खर्च किया है, मतलब हमारा पैसा ही नहीं आ पा रहा है, इतनी भी सस्ती नहीं होना चाहिए और इतनी ख़राब नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों हम इन अब इन फैक्टर्स को डिफाइन करते हैं कि हमको क्या क्या ज़रूरी होना चाहिए, फंक्शनल रिक्वायरमेंट। फंक्शनल रिक्वायरमेंट क्या होती है, तो द डिजाइन ऑफ प्रोडक्ट शुड सेटिस्फाई द पर्पज, मतलब दोस्तों मतलब जो उसके फंक्शंस हैं, मतलब जो डिजाइन ऑफ प्रोडक्ट है किसी भी बॉडी का, कोई भी बॉडी है जब हम उसको डिजाइन करते हैं तो उसका डिजाइन इस प्रकार से हो, इस प्रकार से हो कि वो हमारा टास्क कंप्लीट करे, हम उसके टास्क से सेटिस्फाई हों, ठीक है। मतलब वो अपने जिस पर्पज के लिए वो मशीन बनाई गई है या जो बॉडी बनाई गई है वो अपना पर्पज या अपना टास्क पूरा करे, ठीक है दोस्तों, जिसके लिए उसको बनाया गया है। अब दोस्तों आता है नेक्स्ट पॉइंट, आता है यूजर कंफर्ट। अब यूजर कंफर्ट क्या होता है, अब दोस्तों जैसे हमने बॉडी तो बना दी, जैसे दोस्तों ये पेन है, ये पेन हम इसको इसका यूज क्या है, इसका यूज है लिखना, ठीक है, कि इससे हम लिखते हैं। लेकिन दोस्तों इसकी जो सरफेस है इतनी रफ बना दी अपन ने, इतनी रफ बना दी कि मतलब इसको लिखते लिखते अपने हाथों में मतलब जलन होने लगी, हाथ छुलने लगे, ठीक है। तो ये एक यूजर कंफर्ट नहीं है, या फिर ना इसका वेट इतना भारी कर दिया कि मतलब इसको लिखते लिखते हाथ ही दर्द करने लगी, तो ये क्या है, यूजर कंफर्ट नहीं है। मान लो इसकी पेन इतनी लंबी बना दी कि लिखते ही नहीं बन रहा है, तो दोस्तों
ये सारी चीज़ें कहाँ आती, यूजर कंफर्ट में आती हैं। ठीक है दोस्तों, मान लो जैसे हमको कोई फोर व्हीलर का कोई सीट डिजाइन करना है, तो सीट मतलब सीट एक प्रॉपर कंफर्ट के साथ अपन डिजाइन कर दें एक प्रॉपरली अच्छे मटेरियल का यूज करके। ठीक है दोस्तों, तो यदि हम उसमें कोई अच्छा मटेरियल ना डालें या उस पर मतलब बम्प ना लगाएं, तो वो क्या होगी, एक कंफर्ट नहीं होगी, मतलब शॉक एब्जॉर्ब नहीं करेगी और जो उसमें बैठे पैसेंजर हैं वो उनको तकलीफ होगी। ठीक है दोस्तों, तो ये सारी चीज़ें होती हैं क्या, यूजर कंफर्ट। तो दी प्रोडक्ट्स और डिजाइन शुड बी यूजर फ्रेंडली एंड इजी टू ऑपरेट, मतलब वो ऐसा प्रोडक्ट होना चाहिए कि जो भी ऑपरेटर उस मशीन को ऑपरेट कर रहा है वो ईजिली ऑपरेट कर सके, उसको कोई प्रॉब्लम ना हो। दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट आता है सेफ्टी। दोस्तों सेफ्टी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है दोस्तों। ठीक है, मतलब जो उस हम इस प्रकार से डिजाइन करें उस चीज़ को, उस प्रोडक्ट को, कि मतलब वो अपने टाइम पीरियड से पहले फेल ना हो जाए। ठीक है, और कोई एक्सीडेंट ना हो जाए। ठीक है, तो हम इस प्रकार से बॉडी को डिजाइन करें कि एक्सीडेंट होने के कम से कम चांसेस हों। क्या, एक्सीडेंट होने के कम से कम चांसेस हों। ठीक है दोस्तों, तो ये होता है क्या, सेफ्टी। ठीक है, अब आता है दोस्तों कॉस्ट रिडक्शन। कॉस्ट रिडक्शन क्या होता है, मॉडिफिकेशन में हम क्या करते हैं दोस्तों, मॉडिफिकेशन में हम किसी भी बॉडी को इस प्रकार से डिजाइन करते हैं कि हम फ्यूचर में नई टेक्नोलॉजी के द्वारा हम उसको मॉडिफाई कर सकें, मतलब हमारी बॉडी या हमारी मशीन इस प्रकार से होना चाहिए डिजाइन कि हम उसको फ्यूचर के अकॉर्डिंग नई टेक्नोलॉजी के साथ उसको मॉडिफाई कर सकें। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया मॉडिफिकेशन। ठीक है दोस्तों, अब आता है हमारा कॉस्ट रिडक्शन। तो कॉस्ट रिडक्शन क्या होता है दोस्तों, कॉस्ट रिडक्शन मैंने पहले ही बताया है कि हमारी बॉडी या हमारी मशीन, हमारा ऑब्जेक्ट इस प्रकार डिजाइन होना चाहिए कि मिनिमम कॉस्ट में मैक्सिमम प्रॉफिट हो। ठीक है दोस्तों, मिनिमम कॉस्ट में मैक्सिमम प्रॉफिट हो, क्योंकि दोस्तों यदि हमारा प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा काम कर रहा है, लेकिन दोस्तों उसका मतलब उसका रेट इतना इतना हाई है कि जो भी कस्टमर है वो सर्वाइव ही नहीं कर पा रहा है, तो उस प्रोडक्ट को कोई नहीं खरीदेगा। ठीक है दोस्तों, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है कि कॉस्ट रिडक्शन। तो हम कम से कम मिनिमम कॉस्ट में क्या करेंगे, एक अच्छे से अच्छा प्रोडक्ट डिजाइन करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये हमने नीड ऑफ डिजाइन स्टार्ट की है कि हमको क्या क्या जरूरत होना चाहिए नीड मतलब डिजाइन के समय। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा, और यदि वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और अभी तक यदि आपने TNT ग्रुप को सब्सक्राइब नहीं किया तो TNT ग्रुप को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।